हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि IPPB बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पर रुपए कार्ड लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको रुपए का डेबिट कार्ड शो हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने प्ले स्टोर से ऐप को अपडेट किया है, डाउनलोड किया है, तो दोस्तों ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा है कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। प्ले स्टोर से अपडेट करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपली अपने IPPB ऐप पर चले जाना है। दोस्तों जैसे आप जाओगे तो इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, बिल पे एंड यहाँ पे आप कार्ड का फीचर मिल जाता है। एंड यहाँ पे भीम UPI पेंडिंग रिक्वेस्ट, पोस्ट ऑफिस सर्विस का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्वाइप इन स्वाइप आउट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी इसमें कोई भी लिंक नहीं है तो यहाँ पे ये बता रहा है। तो आप लोगों को करना क्या, यहाँ पे आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस कार्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको रुपए का कार्ड मिलने वाला है। आपको यहाँ पे जैसे सिंपली आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे वर्चुअल डेबिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है वर्चुअल डेबिट कार्ड सर्विस आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्टली। दोस्तों अभी ये स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को बहुत ही जल्द यहाँ पे एक रुपए का डेबिट कार्ड मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे डेबिट कार्ड मिल जाएगा, अगर दोस्तों अभी तक आपने BM UPI सेट नहीं किया है तो कैसे सेट करना है, एंड यहाँ पे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बहुत से लोगों ने मुझसे मालूम किया कि यहाँ से पेमेंट नहीं हो रहा है। दोस्तों आप कोई भी QR कोड यहाँ से स्कैन कर सकते हो। मैंने भी पिछली वीडियो में आप लोगों को स्कैन करके दिखाया था, तो दोस्तों भारत पे का QR कोड स्कैन करके दिखाया था। BM UPI कैसे सेट करना है, इसके लिए भी मैंने आप लोगों को वीडियो बता दी है। अगर दोस्तों आप उससे प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप फुल वॉच कर लीजिए। उसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन बता दी कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप लोगों को BM UPI ID सेट करना है। स्कैन पे करने के लिए आपको दूसरी वीडियो देखना पड़ेगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको आई बटन या तो फिर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे रुपए का डेबिट कार्ड लॉन्च होगा तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।